हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 6.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी कर सकेंगे वो हम लोग यहां पे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक बाय एक क्वेश्चन 1 2 3 4 ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, कॉन्सेप्ट है मतलब, उसको हम लोग समझेंगे और फिर करना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने हर एक चीज के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सारे एग्जांपल सॉल्व किया, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी और कौन कौन से रूल्स लगते हैं सब देखा। देखो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आधे से ज्यादा बच्चों का तो दिमाग यूं घूम रहा होगा, सर जी इस तरीके का तो क्वेश्चन आपने कभी करवाया ही नहीं, जितना मैं पढ़ते आ रहा हूं वहां आपने दिखाया ही नहीं। बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको ये लोग पकड़ के क्या कर रहे हैं, आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपने सीधा सीधा तो पढ़ लिया था बट इन्होंने उसका उल्टा पूछा। नहीं सर, नारा सर जी ध्यान से देखो, कह रहे हैं व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट, जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर है उसका वन डिजिट पूछ रहे हैं। ये कोई नंबर है उसका वन डिजिट नंबर पूछ रहे हैं। क्या करें, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आहा, ये कह रहे हैं ये जो 9 8 9 8 0 1 लिया है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो इसकी जो नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा, उसका पहला नंबर क्या होगा, उसका पहला नंबर क्या होगा, पॉसिबल डिजिट हो कौन सी सकती है ये, तो ये पूछ रहा है। तो अभी आप क्या करो, थोड़ा सा क्या करो, वीडियो पॉज करो, सोचने की शक्ति बढ़ाओ, कुछ सोचो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका स्क्वायर। अगर देखो क्या कह रहा है कि इसका आपको क्या करना है, आपको क्या करना है स्क्वायर, आपको पॉसिबल नंबर बताना है भाई साहब, कि जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो सकती, हो क्या सकती, ये बताइए। ध्यान से पढ़ो, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मैं तो चाहूं तो यूं 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 करके दे दूं आपको, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। काफी बच्चे तो छोड़ के चले गए होंगे वीडियो, क्योंकि भाई साहब उनको पता है, नहीं पता है वो लोग रुको, आराम से समझो, उनकी तरीके से भागो मत, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्या है हमारे पास 9 8 0 1 है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, 9 0। अब देखो हम लोग एक चीज समझेंगे, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 36, 36 किसका स्क्वायर है ये बताओ, हमारे पास 6 का स्क्वायर है, हमारे पास 36 है, हमारे पास जो कि 6 का स्क्वायर है, क्या है 6 का स्क्वायर है हमारे पास 36। चलो ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछता कि 36 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो आप हमको बताइए लास्ट डिजिट में जो नंबर आएगा, कोई भी नंबर आए लास्ट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो आप तो सीधे सीधे देख के बता सकते हो, यहां पे देख के सीधे बता सकते हो कि लास्ट डिजिट क्या, पहली नंबर है वो 6 आ सकता है। बट इसकी जगह अगर मैं कहता आप बताइए हमको, हमें पता है कि 144 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है वो क्या है प्यारे बच्चों। तो इधर से आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि जो स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो लिखा होता है वही इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। सर ध्यान से बताओ, इस स्क्वायर के अंदर जो लिखा होता है नंबर वही एक्चुअली में क्या होता है, इस पूरे होल का क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट होता है। बस ये स्क्वायर भगा दो, स्क्वायर भगा दो किसी तरीके से, इस नंबर को इसमें चेंज कर दो, इस स्क्वायर को हटा दो, तो अंदर वाला ही नंबर हमारे क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, देख लो यही 6 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं इसी तरीके से 144 कहूं तो ये किसका स्क्वायर है ये बताओ, ये स्क्वायर है हमारा 2 का। अब मैं अगर कहूं स्क्वायर रूट निकालो किसका, 144 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आंसर क्या आएगा, सीधा अंदर का ये वैल्यू आएगी, वो क्या है 12 आएगी, क्या आएगी 12 आएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्रोसीजर क्या है, ये सब समझने की अभी जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि ये क्या आ रहा है, अंदर की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, स्क्वायर रूट होती है। काफी बच्चों को पता होगा ये कैसे आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब यहां पे हमसे ये पूछ रहा है कि अगर मैं इस नंबर का अगर मैं क्या करूं, स्क्वायर रूट करूं, कोई भी नंबर होगा, जैसे यहां पे 9801 दिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां पे देखो, यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, यहां पे हमारे पास है 4 और यहां पे हमारा 4 है, और मिल क्या रहा है हमको, मिल क्या रहा है हमें, 2 मिल रहा है हमें, लास्ट डिजिट क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, ध्यान से देखो 2 मिल रही है। तो अपने को बस क्या करना है, अपने को अब देखो यहां पे जो ये लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा है ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आ रहा सर जी, नहीं समझ में आ रहा क्या बताने की कोशिश करो। देखो अगर मेरे पास नंबर लिया है, हमारे पास 144 नंबर दिया है, ध्यान से अब इस चीज को सुनो, ये कोई नंबर था, पूछ रहा था अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी। तो हमको पता है क्या कि इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस नंबर को इस फॉर्म में चेंज कर दूं, इस नंबर को इस फॉर्म में चेंज कर दूं तो हमको लास्ट डिजिट मिल जाएगी। लास्ट डिजिट क्या होगी, क्या होगी हमें पता है क्या, हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी स्क्वायर। जब देखो मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर दिया हूं, अब अंदर जो होगा हमारा वो क्या होगा, 12 होगा, और ये जो 12 का 2 होगा यही होगा हमारा क्या, 2 होगा हमारा नंबर। बट ये तो एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं, एग्जैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं, बट यहां पे हमें पॉसिबिलिटी बताना है, पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं। तो हमको क्या, हमें हमारे पास क्या है, हम यहां पे पॉसिबल, अब मैं पॉसिबिलिटी बताने जा रहा हूं, पॉसिबल, ये तो एग्जैक्ट मैं बता रहा था कैसे निकालोगे, बट देखो पॉसिबल क्या होंगे, हमें देखना है कि ये जो यहां पे नंबर है 4, वो किस किस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कौन से दो इक्वल नंबर, क्या बता रहे हो सर जी, ऐसे कौन से दो इक्वल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल नंबर क्या, जैसे कि क्या हम लोग क्या, अब देखो इसी 2 के देखो, बस 2 को देखो, इस 4 को लाने के लिए ऐसे कौन से आइडेंटिकल नंबर है, आइडेंटिकल नंबर जैसे 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, हाँ, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई ये, ठीक है, बस आपको लास्ट डिजिट देखना है, अब ध्यान से सुन लो, एक ये हो गई। दूसरी अगर मैं कहूं, दूसरी पॉसिबिलिटी देखूं तो कितने नंबर हो सकते हैं लास्ट में, ये बताओ कितने नंबर लास्ट में हो सकते हैं। तो एक तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना 10 तो भाई सब छोड़ दो, 10 तो इतना तो हो गया, तो 1 से लेके 9 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। तो 9 इंड, अगर मैं इसको 1 इंटू 1 करूं तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये क्या आएगा 9 आएगा, ये क्या आएगा 16 आएगा, ये क्या आएगा 25 आएगा, ये आएगा 36, अगर मैं ट्वाइस मतलब दोगुना मल्टीप्लाई कर दूं, और ये आएगा 64 आएगा, और ये क्या आएगा बताओ, ये क्या आएगा 81 आएगा। तो हम लोग यहां पे क्या मल्टीप्लाई करें ऐसे दो वैल्यूज को कि यहां पे 4 आ जाए, लास्ट डिजिट क्या आ जाए, यहां पे 4 आ जाए। तो देखो किस किस के किस किस को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करोगे नहीं आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करोगे नहीं आएगा लास्ट डिजिट, देखो लास्ट डिजिट, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ रहा है, सिर्फ 5 में ही ऐसा है कि जब मल्टीप्लाई करने पर लास्ट डिजिट 5 आ रहा है। अब देखो 6 को किया तो 6 आ रहा है, 7 किया 9, 8 को किया तो ये आ रहा है 4, तो ये आ रहा है 4। तो हम लोग कह सकते हैं लास्ट डिजिट 8 इंटू 8, मतलब लास्ट डिजिट क्या हो सकती है 8 हो सकती है, लास्ट डिजिट क्या हो सकती है 8 हो सकती है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, बस 8 हो सकती है, क्योंकि 8 इंटू 8 आपका 8 है 64, इसका 4 ये दे सकता है। काफी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो, ये चीज ही नहीं समझ में आ रही क्या मैं बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है, छोटी सी चीज है, ठीक है, जिसको आप समझ जाओ तो मजा ही आ जाए।
ठीक है, यहां पे क्या है एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूं, 12 का 2 देख रहा हूं और इधर भी 2 देख रहा हूं, क्योंकि हमें क्या मिलना है वाला, हमें स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। अब देखो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर, पॉसिबल पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, एग्जैक्ट पूछता तो भाई साहब हमको ये निकालना पड़ता, बट हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे, जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई साहब ये नंबर आएगा, नंबर क्या होने वाले, आइडेंटिकल ही होने वाले हैं, तो हमें देखना है कि यहां पे जो नंबर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या ये 4 आ रहा है कि नहीं। तो अगर 4 कैसे आएगा, या तो 2-2 हो तो 4 आएगा, या तो 8-8 हो तो 4 आएगा। तो हम लोगों को पॉसिबल नंबर क्या मिल गए, 2 और 8 मिल गया, कि 2 हो अगर स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो अगर 2 होगा, अगर 2 होगा तो हमारा हो सकता है क्या 4, अगर 8 होगा किसके स्क्वायर रूट में तब हमारा 8 होगा। ये पॉसिबिलिटी एक्चुअली में 8 नहीं होना चाहिए इसमें, बट ये पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि यहां पे 4 आएगा, 8 8 64 4 आ रहा है। चलो मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, अब देखो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो कि 9801 है, तो अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, अब मैं जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकती है, पहला इसको, ये तो पहला हो सकती है कि पहली डिजिट क्या हो, वन हो, पहली डिजिट क्या हो, वन हो, तब वन इंटू वन करोगे तो लास्ट फर्स्ट डिजिट क्या आ सकती है, वन आ सकती है, और किसी में वन आ रही है मल्टीप्लाई करने पे, वन आ रही है, हाँ ये आ रही है, देखो नाइन में आ रही, तो दूसरी वन डिजिट हो सकती है 9, तो एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है। अब समझ में आ रहा है क्यों कह रहा था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 9 9 5 9 9 8 5 6 की बात करूं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं, ठीक है, वंस डिजिट जिनको हम लोग क्या करेंगे, जब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं, इसका स्क्वायर रूट लूं, तो ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं जो आपको क्या देंगी, 6 देंगी, क्या देंगी, 6 देंगी, मल्टीप्लाई करने पे जो आपको 6 देती हूं, तो बताओ यहां पे कहीं 6 है, हाँ देखो 4 है, तो हमारे पास मिल गया क्या एक 4 नंबर वंस डिजिट हो सकता है, और कोई 6 है, और कोई 6 है, हाँ देखो 6 है, 6 भी एक 6 है, ये देखो, तो ये दोनों डिजिट हो सकती है, कौन सी लास्ट वंस डिजिट हो सकती है, और कोई 6 करा है नहीं, तो ये दोनों हो गए इनकी वंस डिजिट। ठीक है, अब बात करते हैं इन वाले भैया की, बात कर लेते हैं इन वाले भैया की, बात कर लेते हैं, तो इन वाले भैया में भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 1, तो 1 में हमारा क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 1 और दूसरा हो सकता है 9, हाँ कि ना, जो कि हमें देगा क्या, ये देगा, ठीक है, ये देगा, ठीक है। अब 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 तो सिर्फ किसमें होता है, सिर्फ ये इस वाले 5 वाले नंबर में, सिर्फ 5 वाले नंबर में ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, तो ये वाला 5 हमारा सिर्फ इसमें क्या हो सकता है, सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट 5 होगा, जिसको मैं दो बार मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी, तभी ये वैल्यू हमें मिलेगी और लास्ट डिजिट इसकी 5 मिलेगी, 5 5 25 25 के 5 यहां पे लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ही हमें यहां पे मिलेगी, तो हमें सिर्फ 5 ही चाहिए लास्ट डिजिट में, तो समझ में आ गया ना, इसकी हमें पता चल गई, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, इसकी 4 हो सकती है और इसकी 6 होगी, इसकी क्या होगी 1 होगी और इसकी 9 होगी, इसकी 19 उसकी सिर्फ 5 होगी, सिर्फ 5 होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसकी, ये भाई साहब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये कहते हैं, ध्यान से देखो क्या है, कुछ भी नहीं है ये, तो यूं चुटकी में हो जाएगा, क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि यहां पे जितने नंबर हैं वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो एनसीईआरटी में हमको काफी, हम लोग पहला लेक्चर कर रहे थे तभी हम लोगों ने समझ लिया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से नहीं होते, ये श्योर है कौन कौन से नंबर होंगे जिनकी वंस डिजिट कह लीजिए या फिर लास्ट डिजिट कह लीजिए, ठीक है, लास्ट डिजिट कह लीजिए, ठीक है, या फिर क्या कह लीजिए, वंस प्लेस कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो क्या होगा, अगर अगर क्या है, जीरो नहीं, अगर टू है
और अगर 3 है, अगर 8 है और अगर 7 है, तो ये क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये क्या है? लास्ट डिजिट देखनी है, नंबर की लास्ट डिजिट। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है? यहां पे 3 देखो, क्या 3 है? तो ये कह दोगे कि 3 वाली नहीं होगी। 7 है, हाँ 7 है इसमें, तो 7 वाली भी नहीं होगी। 8 है, 8 है, हाँ तो ये भी नहीं होगी। अब देखो यहां पे 1 है, अब देखो यहां पे 1 है, तो 1 वाली परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, हो सकती है। परफेक्ट के लिए क्या होता है? परफेक्ट के लिए होता है क्या? परफेक्ट के लिए होता है कि लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए, या 1 से डिजिट कह लो, वो क्या होनी चाहिए? 0 हो, 1 हो, फिर क्या हो सकती है? 4 हो, फिर क्या हो सकती है? 6 हो, फिर क्या हो सकती है? 9 हो, फिर क्या हो सकती है? और एक 5 भी हो सकती है, 4 के बाद 5 लिख सकते हो। तो ये अगर है तो हो सकती है, जरूरी नहीं है, श्योर नहीं है कि वो परफेक्ट होगा ही होगा। यहां पे श्योर नहीं है, यहां पे श्योर नहीं है, यहां पे श्योर नहीं है, बट यहां पे हम लोग श्योर है, ठीक है, श्योर है, ठीक है कि यही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो यहां पे वो जो हमारा बच गया है, क्या हमारा ये जो बच गया है, ये 441, तो ये 441 क्या है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे होगा? देख लो, अगर मैं स्क्वायर रूट लूं 441 का, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे मिलेगा? परफेक्ट मतलब स्क्वायर अगर निकालना चाहें, क्योंकि हम तो बोल चुके हैं कि ये होगा, हो सकता है, पर निकाल के देखेंगे। तो जब आप निकालोगे तो ये आएगा 21 का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा सर जी, कैसे आपने निकाला है? तो कुछ नहीं प्यार बच्चों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको नंबर मिल जाएगा कैसे आपका निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन अभी यही करने वाले हैं, कैसे करेंगे दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारे, अगर मैं 21 को इंटू 21 कर दूं, तो 1 2 2 4 करके देखो, 1 4 4, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल्स टू 21। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, समझ में आ गया नहीं? तो ये 21 क्या है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि देख रहे हो ना, आराम से आपको दे रहा है, नंबर दे रहा है, नेचुरल नंबर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो आपको दे रहे हैं, अच्छा खासा स्क्वायर रूट आपको नेचुरल नंबर दे रहा है स्क्वायर रूट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं दे रहा तो वो नहीं है, तो वो नहीं है। और याद रखना कि जो ये रूट लेते हैं हम लोग, ये रूट, इस रूट के अंदर हम लोग नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया? चलो, अब देखो ध्यान से, यहां पे अब सीधे सीधे पूछ रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10, 100 और 169 बाई द रिपीटेटिव सबट्रैक्शन। अब ये रिपीटेटिव सबट्रैक्शन क्या कहता है, इसके लिए आप रिपीटेटिव सबट्रैक्शन की एक वीडियो बनी हो, उसको देख सकते हो, बहुत ही सरल है। क्या कहता है ये? कहता क्या है कि आप किसी भी स्क्वायर नंबर को क्या कर सकते हो, किसी भी कोई भी स्क्वायर नंबर है, जैसे कि मेरा कोई स्क्वायर नंबर है 36 है, मान लेते हैं कोई भी स्क्वायर नंबर है, उसको ऑड नंबर के सम में आप लिख सकते हो, जैसे कि ऑड नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। तो यहां पे कितना है? 36 है, तो इसको कितनी बार वो ऐड करोगे? 6 बार। अब इसको ये मल्टी मतलब ऐड किया है मैंने कितनी बार? 6 टाइम्स किया है, 6 टाइम्स किया है। अब आप जब इसे ऐड करोगे ना, इतनी बार ऐड करोगे तो ये कहने लगा 36 मिलेगा, मैं बहुत बार कर चुका हूं इसको, तो मुझे पता है कि 6 बार ही करेंगे। जब इसे ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। कितने स्टेप में किया है आपने? 1 2 3 4 5 6, कितने स्टेप में किया है? 6 स्टेप में आपने किया है, और आपको ये 36 मिला है। तो आप ये कहोगे कि ये 6 का स्क्वायर है, आपको स्टेप देखना है कितने स्टेप पे आपको 36 मिला है। तो 1 + 3 करेंगे 4 4 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 और 7 आप करेंगे 16 16 + 9 करेंगे तो 24 24 + आप 11 कर देंगे, 24 + 11 करिए, ये देखिए 24 या 25 24 + 11 24 नहीं 25 होगा, ये क्या हुआ? 25 और 25 + 11 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और 3 36 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये 36 आ रहा है, तो 36 आ रहा है कितने पे आ रहा है? 6 स्टेप पे आ रहा है, तो 6 स्टेप पे आ रहा है कि ये 6 का स्क्वायर होगा। तो आप ये स्क्वायर, आप यहां से स्क्वायर निकाल दोगे, आप यहां से आप क्या करोगे, स्क्वायर यहां से निकाल दोगे, और याद रखना कि अंदर की ये जो वैल्यू होती है यही स्क्वायर रूट होती है। तो यहां से आप कह सकते हो कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 होता है। 36 का स्क्वायर क्या होता है? 6 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो, ठीक है। और वो जो 6 का स्क्वायर मैंने लिखा था, 6 स्टेप में आ रहा, तो 6 सीधा बोल दो,
सिक्स सीधा बोल दो कि सिक्स स्क्वायर रूट होगा, ये भी एक तरीका होता है स्क्वायर रूट निकालने का। देखो जैसे 36 मैंने लिखा था वो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 था, कितने स्टेप में आया है, 6 स्टेप में आया है। तो आप सीधा डायरेक्ट कह सकते हो कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा, 6, क्योंकि 6 स्टेप में आया। ये हो रिपीटेटिव फ्रैक्शन बताता है कि जितने स्टेप में आपका कोई नंबर आ जा रहा है, ऑड नंबर के सम को आप लिख दे रहे हैं, उसी स्टेप को आप क्या कहोगे, उसी स्टेप को आप कहोगे जितने नंबर पे आ गया उसी को कहोगे क्या, स्क्वायर रूट कहोगे। तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। तो अब मैं बात करता हूं 100 को कैसे लिखोगे आप और 169 को कैसे लिखोगे, तो इसको देख लेते हैं। तो 100 को कैसे लिखोगे, 100 को कैसे लिखोगे, तो आप ऐड करना शुरू करोगे, पहले 1 करोगे फिर 3 करोगे, ऑड नंबर है याद रखना, ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से ही स्टार्ट करना, 3 4 5 6 से नहीं, 1 से, फिर 5 फिर 7 फिर 9 को ऐड करोगे, फिर ऑड क्या आता है 9 के बाद, फिर 11, 11 के बाद क्या आता है 15 नहीं 13, 13 के बाद क्या आता है 15, 15 के बाद क्या आता है बताओ, 15 के बाद आता है 17। तो हमको तो पता है 10 का स्क्वायर होता है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आएगा 19, इन्हें सबको ऐड करोगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको मिलेगा 100 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। कितने स्टेप लगे हैं प्यारे बच्चों, 10 स्टेप लगा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, सीधा सीधा आंसर आ गया, सिर्फ आपको स्टेप देखना है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं करूं क्या 169 का, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ है नहीं, कुछ भी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है 169 का अगर मैं करूं, ठीक है, तो मुझे पता है ये क्या होता है 13 का होता है, बट हमें पता है हम करेंगे ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 13 के बाद क्या 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, देखें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। जब आप इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे एक एक करके, तो आपको 169 ही मिलेगा, 169 ही मिलेगा। कितने स्टेप में मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 स्टेप में मिल रहा है। तो आपको ये स्टेप काउंट करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता है तो करना पड़ेगा, और जब आप करोगे तो आपको 169 ही मिलेगा। तो कितने में मिल रहा है, 13 स्टेप में मिल रहा है, तो आप रूट लिखोगे 169 का जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 13 आप लिख दोगे इसी 13 को देख के। तो उम्मीद करता हूं आपको रिपीटेटिव सबट्रैक्शन समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं इसे। अब देखते हैं कि फाइंड द स्क्वायर, चलो ये भी हो गया, 3 भी हो गया है हमारा, 2 भी हो गया और 1 भी हो गया। अब देख लेते हैं इसको कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किसी नंबर का कैसे करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं अगली वीडियो में हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और रिफ्रेश हो, आप काफ़ी ज़्यादा समझ में आए वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ यहीं पे रोक देता हूँ, मैं बता तो दूंगा बट क्या होगा आपके दिमाग में क्या होगा, ये खिचड़ी पक जाएगी इन सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई है। तो 1 से लेके 3 तक ही करते हैं, 4th में हम लोग 4th में अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आए, आपको समझ में आएगा तभी जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए वो साकार होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप रेस्ट लो, रेस्ट लेने के बाद ये जो मैं 4th में बताऊंगा वहां पे मैं जब समझाऊंगा हर एक को सॉल्व करेंगे ना, एक को तो करना नहीं तो हो जाता, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं और नहीं याद रहती हैं तो नहीं कर पाते, तो रिवाइज करना ही जरूरी है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना मत भूलना।